हे गाइस, सो यार फाइनली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ईटी टेस्ट होने वाला है। इसमें कितनी यूनिवर्सिटियां जो है पार्टिसिपेट कर रही है, इसके रिगार्डिंग बड़ी ज्यादा क्वारी आ रही थी कि भैया हम जो सीयू ईटी टेस्ट देने वाले हैं। बेसिकली सभी को बता दूं, सीयू सीटी जो टेस्ट था उसको ही हम सीयू ईटी टेस्ट बोलते हैं, और इसका अप्लीकेशन फॉर्म भी हम भरेंगे कि कैसे अप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसके लिए जस्ट आप कहाँ पे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटियों पे क्लिक करने में सारी की सारी यूनिवर्सिटियां बता देगा कि भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयू ईटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। सीयू ईटी टेस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी कुछ अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सबसे अच्छा आपको इंस्टीट्यूट बताऊं तो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, जो कि हीरो ग्रुप, जो हमारे देश का इंडिया का जो है हीरो ग्रुप, जैसे आपने हीरो की बाइक वगैरह देखी होगी तो यार उनका ग्रुप है। ठीक है, तो जस्ट उनका ही यूनिवर्सिटी है वो, तो आप जस्ट देख सकते हो। जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यानी कि हमारे देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई कोई सी जो पार्टिसिपेट कर रही है। स्पेशली अगर मैं मेजरली तीन चार यूनिवर्सिटी बताऊं, जैसे डीयू पार्टिसिपेट कर रही है, जामिया मिलिया कर रही है, जवाहरलाल नेहरू कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर रही है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, ओके, सो जितने भी है सारी की सारी कर रही है। जैसे कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है। इस जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यार बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं cuct.nta.nic.in के ऊपर, लेकिन यार वहाँ पे इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। तो जस्ट ये जो cuct का पोर्टल है, जस्ट आप देख सकते हो cuet.smart.nta.ac.in, तो जस्ट आप इस पे डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक अदर से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर बना रखा है, जहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैं उसका जो है लिंक दे दूंगा। और हमारा जो है मिशन प्राइम मेंबरशिप प्लान चल रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियों के अंदर लास्ट में एंड मोमेंट पे सीटें भर जाती है, तो सीटें बच जाती है मतलब, तो स्पोर्ट राउंड एंड अदर वगैरह में जो है हमारी टीम जस्ट फुल्ली मतलब टारगेट रहती है कि किसमें कितनी सीट है, किसको हो सकता है किसको नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर आप बाई चांस अगर सीयू सिटी में नहीं हो पाता है, तो अदर स्टेट यूनिवर्सिटी जो टॉप के कॉलेजेज है वहाँ पे आपको अच्छा कोर्सेस मिल सके। थर्ड तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जहाँ पे हम जो है प्रिपरेशन करवाते हैं आप सभी को, तो उसको जो है प्राइम मेंबरशिप प्लान बोलते हैं। और भी नीचे प्लान दिया गया, वो भी आप ले सकते हैं। सीयू सिटी का मैंने आपको बता दिया। सीयू सिटी के अलावा भी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है कोई, ये जो पार्टिसिपेट कर रही है बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली के अंदर है। ठीक है, हीरो ग्रुप का यूनिवर्सिटी है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद में जो है यूपी का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, IIMT यूनिवर्सिटी है। ओके, देन जो है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ओके, एंड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, MMM, और जो भी है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी, देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS, ये सारे के सारे जो है CUET टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट आप जो है यहाँ पे होम पे जाएंगे। अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर रहा हूँ उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले, तो आप उसको चेकआउट करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, रजिस्टर किए, ओके, सो जैसे आपको नोटिस भी पढ़ा देते हैं क्या नोटिस आया है, और इम्पोर्टेंट डेट्स तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो जस्ट जो भी है, सो गाइस ये जो है नोटिस आया है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी है इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, NTA का जैसा फॉर्म नहीं है ये। ओके, सो इसके अंदर कुछ लैंग्वेज वगैरह जो भी दिया गया है, पहले अपन देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 6 अप्रैल से, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 6 मई तक, 22। ठीक है, टाइम तो बहुत पड़ा है आप लोगों के पास। करेक्शन इन पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, सो जो ये जो है वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, यानी कि 6 मई के बाद ही होगा करेक्शन। तो फीस यहाँ पे दी गई है,
ऑलमोस्ट अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है रिगार्डिंग एग्जाम एंड अदर, जो कि बाद में सूचित किया जाएगा। ओके सो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो भी सारी की सारी डिटेल है वो सीयू सिटी डॉट स्मार्ट डॉट एसी पर अवेलेबल है, और इसको जो है एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है। और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं, तो जहां से भी आप अगर आउट ऑफ इंडिया से हैं देन यू आर एलिजिबल। ओके देन अब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन की, हमें रजिस्टर कैसे करना है, तो जस्ट यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यार नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ज्यादा बड़ा छोटा कोई नहीं है, सिंपल जो भी हमेशा होता है आप इसका जरूर ध्यान रखें। और ये फोटो वगैरह साइज वगैरह ये दिया गया कुछ, ठीक है। दे और क्या दिया गया यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। फीस नॉर्मल जितनी इतने साल लगती थी उतनी ही है। नीचे आपको जाना है, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओके देन आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है जो भी है। सो यार इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। सो जस्ट उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड हाउ टू फिल चॉइसेस, एंड आपको कौन सा कोर्सेस कौन से कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कौन सी ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी है। तो जस्ट उसके लिए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, हालांकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको वॉच कर लो कि फॉर्म कैसे करते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर डिस्कशन किया कैसे फॉर्म फिल करना, ठीक है।